वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने बहुत दिनों बाद ये व्लॉग बनाया है। तो हम गए थे दिवाली की शॉपिंग करने के लिए सदर बाजार, और कुछ बर्तन लेने के लिए हम डिप्टीगंज मार्केट भी गए थे। ये दोनों ही आसपास में है, तो इस व्लॉग में बने रहिए। हमने क्या क्या खरीदा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा। हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो हमने पहले ही खाना खा लिया था। और मार्केट जाते हैं तो सबको पता है वहाँ पे भूख लगती है, तो फिर शॉपिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमने पहले ही खा लिया था पेट भर के। हमने ऑर्डर किया था चाउमीन और मंचूरियन। तो खा पी के हम आगे निकल गए थे, मेट्रो से हमने ट्रैवल किया था। और हाँ, चाउमीन और मंचूरियन दोनों ही अच्छे थे। हम अक्सर यहाँ पे खाते रहते हैं, हौसखास मेट्रो स्टेशन के पास में बाहर जो चाइनीज़ का जो फूड स्टॉल है वहीं से हम खाते हैं मोस्टली। तो ये हम बाय मेट्रो ट्रैवल करते हुए पहुँच गए थे सदर बाज़ार। मैं गई थी नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर सदर बाज़ार में, और इस टाइम पे भी बहुत भीड़ थी। और अभी दिवाली के सिर्फ एक हफ्ता रह गया, और अभी तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि हम पिछले साल जब हम गए थे वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो गई थी, अंदर चले तो गए थे पर वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने इस बार प्रेफर किया कि हम दिवाली से एक महीने पहले ही चले जाएँ। तो हम यहाँ पर गए थे सदर बाज़ार में दिवाली के जो डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं वो लेने। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बांधल वाल है, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। ये सिर्फ 15 से लेके 20 रुपए तक के मिल रहे थे, और ये बहुत अच्छे थे, कलरफुल थे। तो मैंने यहाँ से 2 बांधल वाल ले लिए थे अपने घर के लिए, और मेरी इन लॉ मदर इन लॉ के लिए भी। हम जब गए थे तब भी यहाँ पे बहुत भीड़ थी। मोस्टली जो होलसेल के आइटम यहाँ लेने आते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ पे इसलिए भीड़ बहुत जम गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग रास्ते में किस तरह से बेचते हैं सामान, और इतना रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा था सब कुछ। और ये लटकन मैंने ली थी शायद 150 रुपये में, मुझे 150 भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे 100 रुपये में ले सकती थी, ये 10 पीस थे इनमें। सदर बाज़ार से मैंने कुछ ज़्यादा खास लिया नहीं सामान, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दिवाली के काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए थे घर में, तो मैंने इस बार कुछ ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं। वहाँ से निकल के हम चले गए थे डिप्टीगंज मार्केट, जो बर्तनों के लिए फेमस है। तो वो बिल्कुल सदर बाज़ार के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो रोड है, महाराजा अग्रसेन मार्ग उसका नाम है, उसी के अंदर से पड़ता है डिप्टीगंज का मार्केट। ये बर्तनों का मार्केट है बहुत बड़ा दिल्ली का, और यहाँ पे आपको स्टील से लेके कांसे के, कांच के और कॉपर के, पीतल के सारे तरह के बर्तन मिलेंगे। और ये होलसेल में भी बेचते हैं, रिटेल में भी बेचते हैं, और कमर्शियल के भी बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। बर्तनों के मार्केट में हम पहले भी आ चुके हैं लास्ट ईयर, तो हमने ज़्यादा इधर उधर शॉप्स में घूमे फिरे नहीं। हमने जो पहली शॉप थी घुसे थे उसी में से ही हमने सारे बर्तन ले लिए थे। ये बहुत अच्छी शॉप थी, इसने हमने इसलिए हमें पसंद आई, जो जो हमें चाहिए था वो सब एक ही जगह मिल गया, और इसलिए हमने सब कुछ यहीं से ख़रीद लिया। और जो क्या क्या ख़रीदा मैं आपको बताऊँगी आगे।
हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा था क्योंकि हमने ज्यादा शॉप्स घूमे फिरे नहीं, हमने एक ही शॉप से जो बर्तन हमें चाहिए थे वो हमने सारे ले लिए थे, इसलिए हम लोग सोचा कि ये बर्तनों के मार्केट में आए तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम चले गए थे अंदर की तरफ, वहाँ अंदर की तरफ और भी दुकानें थी बर्तनों की और चूड़ियों की भी है। अगर किसी को चूड़ियाँ खरीदनी है तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है चूड़ियों की। तो यहाँ से निकलने के बाद में हम चले गए थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने के लिए भागीरथ पैलेस, जो लाल किले के पास में है। बिल्कुल ये गली बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल बगल वाली गली है और SBI बैंक जो है उसके बिल्कुल पास में ही है, और लाल किला मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक इसके पड़ेगा इस मार्केट के। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ थी लाइट्स की, जो आज लेटेस्ट जो है वो सब मिलते हैं यहाँ पे और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं। त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए लाइट, शाम का वक्त हो चुका है, लाइटें जल चुकी है और इतना अच्छी लग रही है ये लाइटें, सब जगह जगमगा रही है, अभी से फेस्टिवल वाइब्स दे रही है, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। और आपको मैंने बताया ये हम नवरात्रों के टाइम पे गए थे तो यहाँ पे भीड़ इतनी नहीं है, पर थी भीड़। और अभी इस टाइम पर आप जाओगे तो वहाँ पे तो पैर रखने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी, इतना धक्का मुक्की होती है। तो आप जाओ तो अपने ही रिस्क पे जाना, हम पहले ही चले, हमने एक्सपीरियंस करा है इसलिए हम अवॉइड करा था हमने इस टाइम पर जाना दिवाली के पास में। दिवाली की हमारी पूरी शॉपिंग हमने कर ली थी और शॉपिंग करते करते हमें पूरा शाम हो गई थी, दोपहर से शाम तक हम वहीं रहे दिल्ली, पुरानी दिल्ली में। और देखिए रात को लाल किला कितना अच्छा लग रहा है। तो हम आ गए थे वापस और यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये राधा कृष्ण की पीतल की मूर्तियाँ जो हमें पड़ी 1000 की, उसके साथ में मैं कांसे की थालियाँ भी लाई थी जो पड़ी 1700 रुपये की, दो सब थालियाँ थी ये। और थालियों के साथ में मैंने दो स्टील की थालियाँ भी ली थी और तीन कटोरियाँ ली थी। तो टोटल जो पड़ा था हमें, जो सारा सामान हमने लिया था वो करीब 5000 का पड़ा हमें वहाँ से लेने का। उसके साथ में मैंने ये झूमर लिया था, झूमर मुझे पड़ा ये 180 रुपीज़ का, जो मुझे हाँ मुझे प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा बट मैंने ले लिया, ये मैंने मंदिर के लिए लिया। उसके साथ में बांधल वाल लिए थे और लटकन ली थी जो मैंने बताया था कि 180 रुपीज़ की पड़ी, जो सॉरी 150 की पड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी, मैं उसको 100 रुपये में भी ले सकती थी। ये इसमें 10 लटकन थी। तो कुछ इस तरह से हमारी दिवाली की शॉपिंग रही टोटल। ये देखिए झूमर लाइट जलने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। तो कुछ यही सब हमने लिया था। तो आपको ये मेरा वीडियो अब कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी दिवाली सबको।